बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अतीकुर रहमान VTC टीचर। आई वेरी वेलकम यू ऑल टू दिस MCGM VTC ऑनलाइन वीडियो सेशन। एंड स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स इन स्टैंडर्ड 5th इन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। तो बच्चों, आज के इस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई के VTC ऑनलाइन वीडियो सेशन में आप तमाम का खैर मकदम है। और हम आज आपको यहाँ पर तकसीम पजीर अदद और आद के बारे में मालूमात देने वाले हैं पंजुम जमात में रियाजी मजमून में। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं यहाँ पर। तो इससे पहले कि जमातों में जो आपने तकसीम का अमल किया है ना, तकसीम आपको आती है, पहाड़े आपको आते हैं, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल एक ले रहे हैं। द नंबर 12 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1, 2, 3, 4 एंड 12। सो यू नो दैट नंबर 12 इज इन द टेबल ऑफ टू। मीन्स व्हाइल यू आर सेइंग द टेबल, यू विल से दैट 2, 6, 12। इन थ्री टेबल्स you will say 3, 4, 12, similarly in 4 and 6 and 12 itself. It means that the number while you are doing the division by any of these number, means 1, 2, 3, 4 and 6 to 12, you will get 0, right? Which means the remainder is 0. ठीक है, जब कभी आप जो है तो अगर 12 को तकसीम करेंगे, अगर 1 से 2 से 3 से 4 से और 6 से और 12 से, तो आप देखेंगे कि आपको जो यहाँ पर बाकी जो है वो आपको सिफर मिलेगा, है ना, इस तरह से। सो दीज नंबर्स are called divisor or factors of 12. तो हम देखते हैं बच्चों कि ये जो आदाद है, यानी कि 1 है 2 है 3 है 4 है 6 है, ये तमाम आदाद जो है तो क्या कहलाते हैं, divisor और factors of 12. ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है। यहाँ पर हम एक बार और इसे समझ लेते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 6 और 12, ये जो है 6, 12 के पहाड़ों में आता है, इसलिए इन तमाम अददों से 12 को तकसीम किया जाए तो बाकी सिफर रहता है। अदद 1 से 12 को तकसीम किया जाए तो भी बाकी सिफर रहता है, यानी 1, 2, 3, 4, 6 और 12 से 12 जो है तो मुकम्मल तौर पर पूरा तकसीम हो जाता है, इसलिए ये तमाम आदाद को 12 के आद कहते हैं। क्या कहते हैं? 12 के आद कहते हैं इसे, ठीक है, या डिवाइजर्स कहते हैं, तकसीम पजीर कहते हैं इसे, ठीक है, याद रखिए इसे। यानी कि हम देखेंगे कि 12 ये अदद जो है तो मुकम्मल तौर पर 2 से 3 से 4 से 6 से तकसीम हो जाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों कि 1 से जो है तो 12 को तकसीम किया जाए तो भी जो है तो सिफर रहता है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 6 और 12 से 12 पूरा तकसीम हो जाता है, इसलिए ये तमाम आदाद को 12 के आद कहते हैं। ठीक है, मज़ीद हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जिन आदाद से दिया हुआ अदद पूरा तकसीम होता है, इन तमाम आदाद को दिए हुए अदद के आद या अजाजर भी कहते हैं। ओके, द नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स अ गिवन नंबर आर कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। यानी कि जिन आदाद से दिया हुआ अदद पूरा तकसीम होता है, इन तमाम आदाद को दिए हुए अदद के आद या अजाजर भी कहते हैं।
याद रखना है आपको। अब ये बुनियादी मालूमात थी बच्चों, इसे हम यहाँ पर मज़ीद इस एग्जाम्पल की मदद से यहाँ पर समझ लेते हैं। ओके, सो राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमें यहाँ पर क्या देखना है, हमें यहाँ पर इस एक्सरसाइज में 32 प्रैक्टिस सेट है ये, इसमें हमें यहाँ पर क्या देखना है कि जेल के अदादों के आद बताने हैं हमें यहाँ पर। ठीक है, जैसे नंबर दिया हुआ है यहाँ पर 8, ठीक है, तो 8 ये अदद के आद कौन से होंगे। तो अभी हमने यहाँ पर क्या देखा था, अभी हमने यहाँ पर जो है तो 12 इस अदद को देखा था, है ना। तो हमने 12 को देखा था कि 12 ये जो है तो 2, 3, 4, 6 के पहाड़ों में आता है, इसलिए ये इन तमाम अददों से जो है तो हमने देखा कि 12 को तकसीम किया जाए तो बाकी सिफर रहता है ना। तो हमने यहाँ पर इसलिए देखा कि 1 से 12 को, या जैसे 2 से या 6 से तकसीम करें तब भी जो है तो सिफर रहता है। यानी इसका मतलब ये हुआ था कि हमने देखा था कि 1, 2, 3, 6 और 12 ये जो है तो 12 से पूरा तकसीम हो जाता है, इसलिए तमाम आदात को जो है तो हमने यहाँ पर बताया था आपको कि वो 12 के आद है। तो अब हम यहाँ पर, अभी हमें यहाँ पर क्या देखना है, अभी हमें यहाँ पर 8 ये नंबर को देखना है। तो और सपोज वी हैव टू डू हेयर, वी आर सपोज टू जस्ट रिमेंबर दैट इन विच टेबल्स we will get 8. So you will see that the factors of 12 of 8 will be 1, 2, 4 and 8. है ना, हम देखेंगे यहाँ पर कि 8 के अगर आध हम यहाँ पर देखें तो हमें क्या क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा और 8 मिलेगा। ओके, लाइक दिस। इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो देखते हैं 5, सो 5 द फैक्टर्स ऑफ 5, या 5 के आद अगर हम देखें तो कौन कौन से पहाड़े में हमें 5 मिलता है, 1 और 5 के, है ना। इसी तरह से यू विल सी हेयर 14, सो 14 यू विल गेट इन 1, 2, 7 and 14 टेबल्स। सो द फैक्टर्स ऑफ 14 विल बी 1, 2, 7 and 14। ओके, नाउ for the 10, so you will get here the 10, number 10 in the table of 1, 2 and 5 and 10. So means the factors of 10 will be 1, 2, 5 and 10. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 के आद कौन से हैं आदात, तो आप देखेंगे कि 1 है, 2 है, 5 और 10 है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर अगर हम 7 की बात करें तो 7 के आद आपको क्या मिलेगा, ओनली द नंबर 1 and 7, द फैक्टर्स ऑफ 7 विल बी 1 and 7 ओनली। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम आगे देखते हैं, यहाँ पर 22, ओके, सो द फैक्टर ऑफ 22 आर 1, 2, 11 and 22, ओके। Then the factors of 25, so the factors of 25 are 1, 5 and 25, okay. Then 32, so the factors of 32 are 1, 2, 4, 8, 16 and 32. So these are the numbers of factors of 32. यहाँ पर हम देखेंगे कि 32 ये किन किन आदात के पहाड़ों में आता है, तो आप देखेंगे 1 के, 2 के, 4 के, 8 के, 16 के और 32 के, तो ये तमाम आदात जो है तो 32 के आद होंगे। ठीक है, सो नाउ द लास्ट नंबर 33, सो विच नंबर आर द फैक्टर्स ऑफ 33। सो आप थोड़ा याद करें तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर कि 3 11 अगर हम करें या 11 तिया किए तो हमें 33 मिलता है ना। ओके, सो 1, 13, 11 and 33 इट्सेल्फ आर द फैक्टर्स ऑफ 33। सो
अब यहाँ पर आपको उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको यहाँ पर फैक्टर्स क्या है वो समझ में आ गए होंगे, है ना। आद क्या है वो आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। तो अब बस एक छोटी सी बात आपको यहाँ पर याद रखना है कि अगर जैसे अगर एक से हमने यहाँ पर देखा अभी 33 जो है तो मुकम्मल तौर पर तकसीम हो जाता है और बाकी जो है तो सिफर रहता है ना। तो हम ऐसे तमाम आदाद जो कि उस अदद के पहाड़े में आते हैं उसे हम उसके आद कहते हैं। ओके, याद रखना है आपको, ऑल द नंबर्स लाइक दिस आर कॉल्ड द फैक्टर्स और द डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। ओके, सो यहाँ पर हमें याद रखना है बच्चों खास तौर पर द नंबर्स विच एग्जैक्टली डिवाइड्स अ गिवन नंबर आर कॉल्ड द फैक्टर्स और द डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। क्या याद रखना है हमें यहाँ पर कि जिन आदाद से दिया हुआ अदद पूरा तकसीम होता है इन तमाम आदाद को दिए हुए अदद के आद या अजाइजर भी कहते हैं। ओके, तो आद और अजाइजर भी ये याद रखना है आपको। ओके, सो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तकसीम पजीर अदद की मल्टीपल्स के बारे में। तो ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर 36 इज डिवाइडेड बाय 6। अगर हम 36 को 6 से तकसीम करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, तो इजी तकसीम है, इजीली यू से दैट 6 6 36। ओके, सो यू विल से हेयर आफ्टर डूइंग द सब्सट्रैक्शन यू विल गेट हेयर 36 - 36 विल बी द 0, 6 - 6 0, 3 - 3 0। सो हेयर यू विल सी द डिविडेंड 36 व्हेन डिवाइडेड बाय द डिवाइजर व्हेन द डिविडेंड 36 द डिविडेंड 36 व्हेन डिवाइडेड बाय द डिवाइजर 6 एयर। ओके, द रिमाइंडर हेयर विल बी द 0। सो 36 इज डिविजिबल बाय 6, इट मीन्स दैट द 36 इज डिविजिबल बाय 6, it means, okay. So when the division of dividend leaves no remainder, the dividend is said to be multiple of the divisor. यहाँ पर हमने देखा बच्चों कि मकसूम जो 36 को मकसूम अलग 6 से तकसीम करने पर बाकी जो है तो सिफर रहता है, इसलिए 36 जो है तो 6 से तकसीम पजीर है, इसलिए हम इसे इस तरह से मानते हैं। ओके, और जब मकसूम को मकसूम अलैह से तकसीम करने पर सिफर बाकी रहे इस वक्त इस मकसूम को तकसीम पजीर कहते हैं। ओके, और मकसूम अलैह को आद कहते हैं। क्या कहते हैं? आद कहते हैं। यहाँ 36 जो है तो तकसीम पजीर अदद है, ठीक है, 36 ये क्या है, तकसीम पजीर अदद है, और 6 ये जो है तो आद है। क्या है? 6 आद है, ये हमें यहाँ पर याद रखना है। ओके, सो व्हेन द डिविजन ऑफ द डिविडेंट लीव्स नो रिमाइंडर द डिविडेंट इज सेट टू बी मल्टीपल ऑफ द डिवाइजर, हियर 36 इज अ मल्टीपल ऑफ 36। ओके, सो यू कैन हैव एनी नंबर टू मल्टीपल ऑफ अ नंबर लाइक 5। सो यू नो दैट 5, 10, 15, 20 आर द मल्टीपल्स ऑफ द नंबर 5। ओके, सो यू गेट दैट। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि 10 5 के अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो 10 है, इसी तरह से 15 है ना, और 20 है ना,
ये जो है, तो ये तमाम अददों को आप देखेंगे कि 5 से ये तकसीम पसीर आदाद है ना। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें 5 है ना, 10, 15, 20, तो ये तमाम आदाद जो है तो 5 से तकसीम पसीर है ना। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर जो है तो तकसीम पसीरी की कसौटियाँ देखते हैं। ओके, तो अब आपको तकसीम पसीर जो है तो अदद क्या होता है वो समझ में आया है ना। सो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से जो है तो मल्टीपल्स होते हैं, है ना। सो यहाँ पर हम तकसीम पजीरी की कसौटियाँ देख रहे हैं बच्चों, द टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय टू। यहाँ पर अगर हम देखेंगे बच्चों, दो से तकसीम पजीरी कसौटी हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसमें देखेंगे आप कि इफ देयर इज 0, 2, 4, 6, 8 एंड द यूनिट्स प्लेस द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 2 और इज एग्जैक्टली ड्यूजेबल बाय 2। अगर आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर दो से तकसीम पजीरी की कसौटी, तो इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि जिस अदद की इकाई के मकाम पर आपको 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी अगर नंबर होता है तो वो अदद दो से तकसीम होता है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है। ओके, सो इफ देयर इज 0, 2, 4, 6 और 8 इन द यूनिट प्लेस द नंबर इज मल्टीपल बाय 2 और इज एग्जैक्टली ड्यूजेबल बाय 2। ओके, सो देयर इज सो मेनी एग्जाम्पल्स यू कैन गेट ऑफ दीज काइंड ऑफ नंबर्स। सो हेयर इज द टेस्ट फॉर ड्यूजिबिलिटी बाय 5। अब यहाँ पर हम 5 से तकसीम पजीरी की कसौटी को समझते हैं। तो एनी नंबर विद 5 और 0 इज द यूनिट प्लेस इज मल्टीपल्स ऑफ 5 और इज ड्यूजेबल बाय 5। जिस अदद के इकाई के मकाम पर 0 या 5 का हिस्सा हो वह अदद 5 से पूरा तकसीम होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं 485, 2450, लाइक दिस नंबर। ठीक है, तो एनी नंबर विद 5 और 0 इन द यूनिट प्लेस इज मल्टीपल्स ऑफ 5 और इज ड्यूजेबल बाय 5। ओके, नाउ विल मूव फॉर द नेक्स्ट वन एंड दैट नंबर इज 10। ओके, सो नंबर विच हैव 0 एंड द यूनिट प्लेस आर ड्यूजेबल बाय 10। फॉर एग्जाम्पल 550 और 100 आर ड्यूजेबल बाय 10। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों के 10 से तकसीम पजीरी की कसौटी में कि जिस अदद के इकाई के मकाम पर 0 का हिस्सा हो वो अदद 10 से पूरा तकसीम होता है। मिसाल के तौर पर हम 510 देख सकते हैं, 490 इस तरह से देख सकते हैं। ओके, इसी तरह से यहाँ पर हम जो है तो आगे देखते हैं, टेस्ट फॉर ड्यूजिबिलिटी बाय 3। सो व्हेन द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ गिवन नंबर इज ड्यूजिबल बाय 3, द नंबर इज ड्यूजिबल बाय 3। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल द सम ऑफ द डिजिट इन द नंबर 189 इज 1 + 8 + 9 इज इक्वल टू 18। सो 18 इज अ ड्यूजिबल बाय 3, इट मीन्स 189 इज ड्यूजिबल बाय 3। ओके, यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं 3 से तकसीम पजीरी की कसौटी हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि जिस अदद में हिंदसों की जमा 3 से पूरा तकसीम होती हो वो अदद 3 से तकसीम होता है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने लिया है
189 इस नंबर को लिया है। तो आपने देखा कि एक है, आठ है, नौ है, इनकी जमा अगर की हमने तो 18 हो रही है ना। तो इसका मतलब है 18 तीन छंग 18 होता है, यानी कि हम ये बताए कि तीन से जाए तो 18 पूरी तरह से तकसीम होता है ना। तो 189 इज ड्यूजेबल बाय 3, इट मीन्स ओके, याद रखने बच्चों आप यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर हमने जो है तो ड्यूजिबिलिटी द टेस्ट फॉर ड्यूजिबिलिटी से समझा है, यानी कि तकसीम पजीरी की जो कसौटियाँ हैं वो आपकी समझ में आई होगी। ओके, नाउ विल मूव फॉर द प्रैक्टिस सेट 33 हेयर विच इज ऑन योर स्क्रीन। सो हैज द क्वेश्चन नंबर 1 एंड व्हाट इज द क्वेश्चन हेयर, राइट द 5 3 digit number that are multiples of 2। क्या बताना है हमें यहाँ पर, 2 से तकसीम पजीर 3 हिंदसी 5 आदात यहाँ पर हमें लिखना है। ओके, सो इट इज़ वेरी इजी, राइट, इट इज़ वेरी इजी एंड यू नो दैट विच नंबर आर द मल्टीपल्स of 2, any number you can write from yourself, okay। So यहाँ पर हमने कुछ आदाद लिखे हैं जैसे 992, 558, 306 and 154 and 100, okay। So 3 digit numbers multiples of 2 are on your screen, okay। So you can take any number from 100 to 999, okay। So यहाँ पर हम देखेंगे कि 100 से 999 तक के तमाम जो तादाद जो है 2 से तकसीम पजीर है ना, तो आप कोई भी अदद ले सकते हैं इनमें से इस तरह से। Now the second question, write 5 3 digit numbers that are multiples of 5। यहाँ पर सवाल है कि 5 से तकसीम पजीर तीन हिंसी पांच आदाद यहाँ पर लिखना है। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पर के 5 से तकसीम पजीर तीन हिंसी आदाद कौन से हैं, तो वो देखते हैं हम। 995, 430, 315, 210 एंड 105। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा कि जो है तो 5 से तकसीम पजीर तीन हिंसी आदाद हमारे सामने हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि 100 से 999 तक जिन आदाद के इकाई के मकाम पर सिफर या 5 है वो आदाद जो है तो 5 से तकसीम पजीर है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ओके, तो ये हमें यहाँ पर याद रखना है इसी तरह से। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन एंड हेयर राइट 5 डिजिट नंबर्स डेट आर मल्टीपल्स ऑफ 10। यहाँ पर हमें 10 से तकसीम पजीरा तीन हिंसी 5 आदाद बताने हैं। तो यू सी हेयर 870, 440, 300, 220 एंड 110। तो इस तरह से 10 से तकसीम पजीर तीन हिंसी 5 आदाद हमारे सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। ओके, तो इसमें भी आपको याद रखना है बच्चों के 10 अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो 100 से 999 तक जिन आदाद के इकाई के मकाम पर सिफर है वो तमाम आदाद जो है तो 10 से तकसीम पजीर है, इस तरह से हमें याद रखना है। ओके, सो यहाँ पर आप अपनी चॉइस के कोई भी नंबर्स ले सकते हैं और उसे लिख सकते हैं। ओके, ज़रूरी नहीं है कि जो हमने यहाँ पर आपको बताया है यही नंबर्स हो, आप अपनी चॉइस से कोई भी नंबर ले सकते हैं। ओके, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो राइट 5 नंबर्स डेट आर द मल्टीपल्स ऑफ 2 एज वेल एज ऑफ 3। यहाँ पर सवाल दिया है बच्चों के ऐसे 5 आदाद लिखिए जो 2 और 3 दोनों से तकसीम पजीर है। ओके,
तो कौन से नंबर हो सकते हैं जो दो और तीन दोनों से तकसीम हो सकते हैं। सो हेयर इज़ वेरी इजी। यहाँ पर हम जो है तो देख सकते हैं कि 2, 12, 18, 24 एंड 30। यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों के दो और तीन दोनों आदाद से तकसीम पजीर 6 के गुना वाले आदाद होते हैं। ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है ना। ओके, सो आप आसानी के साथ जो है तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना, मल्टीपल्स ऑफ टू एज वेल एज ऑफ थ्री मीन्स द मल्टीपल्स ऑफ टू इंटू थ्री इज इक्वल टू 6। सो 5 नंबर्स मल्टीपल्स ऑफ टू एज वेल एज ऑफ थ्री आर 6, 12, 18 एंड 24 एंड 30 विच इज ऑन योर स्क्रीन। ओके, नाउ वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक इबारती सवाल है बच्चों, यहाँ पर इसे समझना है हमें। ओके, क्या दिया हुआ है यहाँ पर? अ रिबिन इज 3 मीटर्स लॉन्ग, कैन वी कट इट इंटू 50 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस एंड हैविंग नथिंग लेफ्ट ओवर, राइट द रीजन वाई और वाई नॉट। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों कि 3 मीटर लंबाई का एक फितिया है, क्या इसके ऐसे टुकड़े किए जा सकते हैं कि हर टुकड़े की लंबाई 50 सम हो? ठीक है, वजह बताना है यहाँ पर। ठीक है, सो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है ना। हमें ये मालूम है कि 1 मीटर जो है 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है ना। तो अब यहाँ पर 3 मीटर दिया है, सो 3 मीटर यानी कि 300 सेंटीमीटर। ओके, सो 3 मीटर इज इक्वल टू 3 × 100 मीन्स 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर है। ओके, देयर फॉर वी हैव टेकन हेयर 3 × 100 मीन्स 300 सेंटीमीटर हेयर। ओके, सो यू विल सी हेयर दैट 300 इज एग्जैक्टली ड्यूजेबल बाय 50। ओके, 300 इज एग्जैक्टली ड्यूजेबल बाय 50। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 300 ये अदद है वो 50 से जो है तो पूरा तकसीम हो जाता है ना। इसी तरह से अब देखते हैं 10 से 5 से भी तकसीम हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर जो है तो क्या करेंगे, 3 मीटर्स लॉन्ग रिबिन कैन बी कट इंटू 50 cm। ओके, सो विल डू हेयर द ड्यूजन ऑफ 300 बाय 50। सो यू विल सी हेयर दैट 51 इज 50, 52 इज 100, 53 इज 150, 54 इज 200, 55 इज 250 एंड 56 इज 300। सो आपको मालूम है कि यहाँ पर जो है तो 30 हम 3 को तकसीम नहीं कर सकते, 30 को तकसीम नहीं कर सकते, इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट जो है तो ये 300 कंप्लीट लिया है। ठीक है, तो 300 लेने पर हमें यहाँ पर भाग क्या लगाना होगा, 0 का लगाना होगा। ओके, सो नाउ यू रियलाइज दैट 50 × 6 विल बी 300 हेयर। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि 50 × 6 किया हमने तो यहाँ पर हमें क्या मिला है, 300 मिला है। ओके, सो 300 − 300 इज इक्वल टू 0। ओके, सो इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है बच्चों कि 50 से जो है तो 300 पूरा तकसीम हो जाता है ना। सो 3 मीटर लंबाई के फितिये के लिए 50 सम लंबाई के जो है तो 6 टुकड़े किए जा सकते हैं। ओके, सो वी कैन मेक 6 पीसेस ऑफ ईच ऑफ लेंथ ऑफ 50 cm फ्रॉम अ रिबिन 3 मीटर्स लॉन्ग। ठीक है, यहाँ पर हम इस तरह से देख सकते हैं बच्चों कि 300 मीटर के
300 सेंटीमीटर लंबाई के जो है, तो फितिये के हम 50 सेंटीमीटर के हिसाब से 6 टुकड़े कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो देखेंगे कि यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर दिया हुआ, अ रिबन इज 3 मीटर्स लॉन्ग, आई नीड 8 पीसेस ऑफ रिबन ईच 40 cm लॉन्ग, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स शॉर्टर इज द गिवन रिबन देन द लेंथ आई नीड। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 3 मीटर लंबाई का एक फितिया है, इस फितिये के 40-40 सम लंबाई के 8 टुकड़े करने हैं, तो कितनी लंबाई का फितिया कम पड़ेगा, ये हमारा सवाल है यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि जो रिबिन है, 8 पीसेस ऑफ रिबिन ईच इज 40 cm लॉन्ग, सो द रिबिन रिक्वायर्ड इज 8 × 40 cm इज 320 cm, सो द गिवन रिबन इज 3 मीटर लॉन्ग। ओके, सो 300 cm लॉन्ग, सो वी आर सपोज टू सी हेयर दैट 320 माइनस 300 इज इक्वल टू 20 cm। ओके, जब यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों कि फितिये के 40 सम लंबाई के 8 टुकड़े करने हैं, कितने टुकड़े करने हैं यहाँ पर, 8 पीसेस ऑफ द रिबिन ईच 40 cm लॉन्ग, सो द रिबिन रिक्वायर्ड इज 88 × 40 cm। यहाँ पर अगर हम देखें कि फितिये के जो है तो 40 सम लंबाई के 8 टुकड़े करने हैं, इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर 40 ضرب 8 किया हमने, तो यहाँ पर 320 सम लंबाई का फितिया चाहिए हमें, है ना। सो यहाँ पर देखेंगे जबकि हमारे पास जो है तो 3 मीटर लंबाई का फितिया है, यानी ओनली 300 मीटर 300 सेंटीमीटर जो है तो लंबा रिबन है। सो जस्ट यहाँ पर हमने क्या किया है इसको, तो यहाँ पर हमने जो है तो 320 में से 300 को माइनस किया है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 20 सम जो है तो हमें यहाँ पर फितिया कम पड़ेगा, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ओके, तो आसान सा सवाल था बच्चों ये। इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो आगे बढ़ते हैं और ये सवाल हम स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया हुआ, इफ़ द नंबर गिवन इज द टेबल इज रिड्यूसिबल बाय द गिवन डिवाइजर, पुट यस इन द बॉक्स इफ इट इज नॉट रिड्यूसिबल बाय द डिवाइजर, पुट क्रॉस इन द बॉक्स। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों एक एग्जाम्पल दी हुई है, पहला सवाल यहाँ पर, कि पहले सवाल समझ लेते हैं हम यहाँ पर क्या करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में जो अदद दिए हुए हैं मकसूम अलैह से पूरा तकसीम होता है, तो यहाँ पर सही का निशान लगाना है, और अगर तकसीम नहीं होता है तो क्रॉस का निशान यहाँ पर लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से दिया हुआ है, पहला आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है 15। ओके, तो 15 एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया हुआ है, मकसूम अलैह है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मकसूम अलैह है और नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 15 15, ये नंबर क्या 2 से तकसीम पजीर है, तो आप देखेंगे 2 के टेबल में 15 नहीं आता है ना, तो आप देखेंगे 2 से ये तकसीम पजीर नहीं है, है ना। इसका मतलब ये जो है तो यहाँ पर हम कौन सा निशान लगाएंगे, क्रॉस का। इसी तरह से आप देखेंगे 5 है ना, तो 5 के टेबल में हम देखेंगे 15 आता है, 5 × 3 करें तो हमें 15 मिलता है, इट मीन्स यस, और 10 नो। ओके, सो लाइक दिस
वी आर सपोज टू मार्क यस और नो मार्क ऑन द टेबल अगेंस्ट द नंबर. अब यहाँ पर हम 30 देखते हैं, तो यहाँ पर 30 देखेंगे हम यहाँ पर. सो 30 दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, सो यू विल से यस. ओके, दिस नंबर इज दिस 30 इज डिविजिबल बाय 2 एंड देन 5, सो यू विल फाइंड 5 इन द टेबल ऑफ 30, सो यू से यस. ओके एंड नाउ इन द टेबल ऑफ 10, सो 10 3 इज अ यस, यू विल से यस. ओके, सो लाइक दिस यू कैन आंसर इजीली. एंड नाउ द 34, सो 2 1s are 2 एंड 2 7s are 14, सो यू विल से यस, दिस इज अ डिविजिबल. एंड व्हाट अबाउट 5, यू विल से नो बिकॉज देयर इज अ नंबर. ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये कौन सा नंबर है, तो आप बोलेंगे ये एक जुफ्त अदद, ये जो है तो जुफ्त अदद है और ये ताक अदद है, तो जुफ्त अदद ताक अदद को तकसीम नहीं करता है ना, राइट, ये याद होगा आपको. तो इसी तरह से हम यहाँ पर 10 भी देखेंगे, तो 10 से भी आप देखेंगे ड्यूजिबल नहीं है. ओके, इसी तरह से 46, सो आप देखेंगे 2 2 4, 2 3 6 मीन्स यस इट इज ड्यूजिबल. और 5, फिर यहाँ पर वही हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं कि ये जुफ्त अदद है 46 और ये 5 जो है तो ताक अदद है, तो ये इससे तकसीम नहीं होता है, है ना. सो वी जस्ट पुट डाउन हियर द क्रॉस मार्क, देन यू से 10, सो हियर इज ऑल्सो नॉट अ ड्यूजिबल नंबर. ओके, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो 55 देखते हैं. ओके, सो आपको ये मालूम है कि यहाँ पर ये भी जो है तो 2 और 5 में वही जो है तो आप देखेंगे इसके अंदर भी वही मामला आने वाला है, जुफ्त और ताकत वाला, तो ये भी तकसीम पजीर नहीं है. 5 के बारे में आपको मालूम है ना, हमने जो 5 की कसौटी पढ़ी थी तो उसमें क्या देखा था हमने के नंबर विच हैव 0 और 5 इन द यूनिट प्लेस आर ड्यूजेबल बाय 5. तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पर हमको 5 मिल रहा है, इट मीन्स ये ड्यूजेबल है. ओके, इसी तरह से 10 में अगर देखेंगे हम तो ये भी हमें ड्यूजेबल नहीं है, इस तरह से मालूम होता है. ठीक है, इसी तरह से 63 अगर देखें हम यहाँ पर, तो आप बोलेंगे 63 ये जो है तो क्या है, एक ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है, सो इवन नंबर इज नॉट ड्यूजिबल बाय ऑड नंबर, सो यहाँ भी क्रॉस रहेगा, यहाँ पर भी क्रॉस, यहाँ भी क्रॉस रहेगा. ओके एंड नाउ इन 70, सो यू विल सी हियर दैट 2 3 6 एंड 2 2 10, सो यू विल से दैट दिस 70 विल ड्यूजिबल बाय 2. And now 5, so you will see here that here is a 0 on unit place. So just हमने यहाँ पर अभी पढ़ा था कि 5 और 0 अगर है unit plate पर place पर तो 5 से ड्यूजेबल है, it means ये 70 ड्यूजेबल है. इसी तरह से 10 का जो test of ड्यूजिबिलिटी में हमने देखा था, the number which have 0 in the unit place are ड्यूजेबल by 10. So this 70 will divisible by 10, it means. Okay, then 84 is here, so you will see that 84 is divisible by 2, it is not divisible by 5 and not divisible by 10. Okay, so like this we can do many questions. Okay, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मजीद वीडियो मिलेंगे आपको, तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है. तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में जो प्रैक्टिस सेट हमने यहाँ पर
32 और 33 आपके सामने रखा है, वो आपने ज़रूर से समझा होगा, और फैक्टर्स है, मल्टीपल्स जो आपको समझाया है वो भी आपने ज़रूर से समझा होगा। टेस्ट ऑफ ड्यूसिबिलिटी जो है तो उसको आपको अच्छी तरह से समझ लेना है, याद कर लेना है, ओके। वो आपको आइंदा क्लास में भी काफ़ी काम आने वाला है, ओके। कोशिश कीजिए, अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, देयर इज सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू आर सपोज टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस, एंड देयर इज ऑल्सो अ फीडबैक फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो काइंडली फिल दैट फॉर्म। तो बच्चों, आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं उन्हें हल करना है, और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।